बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स। जॉब डेंसिटी के यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो जॉब्स आई हुई है ISI की जॉब्स, तो उस पर ऑलरेडी कल रात को मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जो कि हमारे यूट्यूब चैनल जॉब डेंसिटी उस पर मौजूद है। अभी हम इस वीडियो में सीखेंगे कि किस तरह से आपने इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना है, किस तरह से इसकी फ़ी जमा करनी है। सारी तफसीलात जो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन इस वीडियो में मौजूद है। इसके अलावा जो एडवर्टाइजमेंट है वो भी मैं आप सबको दिखाऊंगा। सबसे पहले आपने जो है www.recruitment.com.pk पे जाना है। इसी पे जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, अगर आप एडवर्टाइजमेंट की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले हम चेक करेंगे एडवर्टाइजमेंट को। एडवर्टाइजमेंट पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, ये इसका एडवर्टाइजमेंट है, ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट जो कि मैं आप सबके साथ वीडियो में शेयर कर चुका हूँ। 5 सितंबर इसका लास्ट डेट है, जैसा कि आप देख सकते हैं 5 सितंबर इसका लास्ट डेट है। तो अभी हम जाते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं MOD यानी लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने रजिस्टर करना होगा, इसके बाद फिर नेक्स्ट आपने क्या करना होगा, यहाँ पर ये सारी इंस्ट्रक्शन जो है जो कि इस साइट पर है आप सबको मिल जाएगी। ये सॉरी फ्रेंड, ये आप देख सकते हैं ये सारी इंस्ट्रक्शन है। सबसे पहले आपने क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करनी होगी, इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, इसके बाद जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना है ये फिल करना होगा, इसके बाद आपने नेक्स्ट जो है प्रिंट योर स्लिप एंड पे थ्रू वन लिंक या वन बिल इनवाइस ATM के ज़रिए, यदि पैसा बैंकिंग हर चीज़ के ज़रिए आप जमा कर सकते हैं। तो फ्रेंड, तो आप देख सकते हैं हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं सारा अपना डेटा जो है इंटर करूँगा, लेकिन सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या इंटर करना होगा, अपना जो है CNIC नंबर टोटल जो है इंटर करना होगा। सबसे पहले आपका जो CNIC नंबर के 5 हिस्से होते हैं यहाँ पर ऐड करने होंगे, जैसा कि अभी मैं ऐड करने लगा हूँ तो ये थोड़ा सा मैं आप सबको दिखाऊंगा। इस तरह के 5 हिस्से, नेक्स्ट जो है मैं हाइड करने वाला हूँ, तो ये सारा जो है आप सबने यहाँ पर इंटर करना होगा। यहाँ पर आपने क्या लिखना होगा, यहाँ पर जो है आपने एक पासवर्ड लिखना होगा, यहाँ पर आपका नेटवर्क कौन सा है तो ये नेटवर्क आपने लिखना होगा, नेटवर्क के अलावा आपका कोड कौन सा है ये लिखना होगा, इसके बाद मोबाइल नंबर के लास्ट डिजिट जो है यहाँ पर लिखने होंगे। तो फ्रेंड, तो मैं सबसे पहले ये तेज़ी के साथ ऐड करता हूँ। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी अपना जो है CNIC नंबर वगैरह सब कुछ इंटर कर लिया है, और यहाँ पर मुझे ये शो होता हुआ नज़र आ रहा है कि आप प्लीज़ कंटिन्यू के लिए दोबारा लॉगिन करें। तो अभी हम क्या करेंगे, वही CNIC नंबर जो मैंने ऑलरेडी दिया हुआ था इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे, इसके बाद जो पासवर्ड हमने टाइप किया था वो भी हम यहाँ पर लिखेंगे। तो जल्दी से मैं इसको लिख लेता हूँ, लेकिन फ्रेंड्स इसके अलावा पासवर्ड आपका इस तरह से होना चाहिए कि 2 फर्स्ट डिजिट जो है ये बड़े होने चाहिए, बाकी डिजिट सॉरी डिजिट नहीं अल्फ़ाबेट, फर्स्ट अल्फ़ाबेट बड़े होने चाहिए, बाकी 2-3 छोटे होने चाहिए, इसके बाद दरमियान में @ ऑफ होना चाहिए, और इसके अलावा लास्ट में जो है कोई फिगर डिजिट होने चाहिए। तो जल्दी जल्दी ये सब मैं टाइप करता हूँ, इसके बाद फिर नेक्स्ट जितना भी प्रोसेस है मैं सबको बताऊँगा। तो टाइप करता हूँ मैं। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसमें जो है अपना CNIC नंबर और ये सब कुछ इंटर किया तो हमारे सामने ये इंटरफेस आप देख सकते हैं ये ओपन हो चुका है। बाज़ जगह पर मेरा CNIC शो हो रहा है तो इसको मैं हाइड करूँगा फ्रेंड, इसके लिए माजरत हुआ हूँ। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है, एक पिक्चर जो है यहाँ पर आपने अपलोड करनी है, इसके बाद यहाँ पर क्या करना है, टेस्ट सिटी आपका कौन सा होना चाहिए, यानी मैं क्या करता हूँ जो भी आपका सिटी है वो ही करना चाहिए। सेकंड नंबर पर आपका सिटी कौन सा होना चाहिए, यानी अगर फर्स्ट पोजीशन पे आपका ना हो तो सेकंड में आपका हो जाएगा। यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है लिखनी है, इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर नेम लिखना है, फादर नेम लिखना है, यहाँ पर जेंडर क्या है, मेल और फीमेल, और रिलीजन कौन सा है ये टाइप करना है, यहाँ पर प्रोविंस कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल कौन सी है, इसके अलावा आपका जो करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों में एक ही एड्रेस आपने डालना होगा, ईमेल एड्रेस आपने लाजमी देना होगा। यहाँ पर जो है आप सिंगल हो, मेरिड हो, आपका कास्ट कौन सा है, इसके अलावा आप कौन से हो, सुनी उशी हो, ये सारा जो है यहाँ पर ऐड करना होगा। इसके अलावा अगर आप डिजेबल हो तो यहाँ पर ये करना होगा। इसके अलावा आप जो है मिडवाइफ आपने कोर्स किया हुआ है तो इसके लिए ये है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई नर्सिंग फील्ड सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर आपने ऐड करना होगा।
इसके अलावा अगर आपके पास 36 वीक्स जो है यूडीसी असिस्टेंट के लिए, ये पोस्ट जो है ये नर्स के लिए है, ये भी चार्ज नर्स मेल और ये फीमेल के लिए है। ये जो बंदी यूडीसी एलडीसी असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो यहाँ पर जो है ये क्या करना होगा, इन्होंने यस करना होगा। इसके अलावा नेक्स्ट जो है ड्राफ्ट मेन के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो यहाँ पर आपने ड्राफ्ट मेन का यहाँ पर आपने क्या करना होगा, आपने जो है ड्राइविंग लाइसेंस यस हो नो हो। इसके अलावा आपका जो एज क्लेम है तो ये आप कर सकते हैं, इसके अलावा अदरवाइज इसको क्या कर दें, इसको छोड़ दें। नेक्स्ट जो है आपका जो है आर्म्ड फोर्स या किस चीज़ में आपका जो है किसी चीज़ में आपने जॉब की है तो ये आपने करना होगा। इसके अलावा अभी आप देख सकते हैं प्राइमरी लेवल है, मैट्रिक लेवल है, सबसे पहले मैट्रिक से शुरू करना है, इंटरमीडिएट लिखना है, बैचलर लिखना है, मास्टर लिखना है, ये सारा जो है सब आपने लिखना होगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट आपने क्या करना होगा, यानी एक्सपीरियंस आपकी किस चीज़ पे एक्सपीरियंस है तो ये आपने ऐड करनी है, एक्सपीरियंस नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ दें। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपने क्या करना होगा कि थ्रू प्रॉपर चैनल गवर्नमेंट सर्वे टू, तो थ्रू प्रॉपर चैनल आपने यहाँ पर ये यस या नो करना है, वहाँ पर सेव एप्लीकेशन भी क्लिक करना है। ये सारा जो है मैं ऐड करता हूँ। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट जाएंगे कि नेक्स्ट क्या होता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमने जो है अपना एक एप्लीकेशन जो है वो वाला वो फिल किया हुआ है। और अभी फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने, तो ये सब करने के बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अभी आप किसी भी अप्लाई पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम वैसे ही आप सबको समझाने के लिए ये सारी पोस्ट जो है तब आएंगी जब आप फ्रेंड क्या करेंगे, ये सारा एप्लीकेशन फिल करेंगे, जैसा कि मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ। तो अभी क्या कर, तो जैसे ही आप ये देख सकते हैं आपके सामने ये ओपन है और आपको ये लिखा हुआ नज़र आएगा कि आपका स्लिप जो है डाउनलोड करें, तो इस तरह से आपकी ये अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पर अभी आपने इजी पैसा अकाउंट के जरिए किस तरह से ये डिपॉजिट जमा करवाना है तो इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, किस तरह से आपने इसकी बिल जमा करवानी है। ये देखो ये अप्लाई हो चुकी है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि हमने जो है किस में इस तरह से इसका जो है पैसे जमा करने हैं। तो फ्रेंड, तो जैसे ही आपके सामने वो आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, जिस पोस्ट पे आपने अप्लाई करना है वो पोस्ट जो है आपके सामने शो हो जाएगा। मैं नेक्स्ट एक ट्राई आपके सामने करूँगा नेक्स्ट पोस्ट के लिए भी। तो आपने फिर क्या करना है फ्रेंड, तो आपने ये करना है आपके सामने इस तरह का ये ओपन हो जाएगा। अभी क्या है फ्रेंड, ये एक बैंक का भी है, एक कैंडिडेट का भी है, तो आप किसी भी बैंक से इसको जो है जमा करवा सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इनवाइस नंबर वगैरह सब कुछ जो है इसके ऊपर ये लिखा हुआ है। मैं इसको हाइड करूँगा क्योंकि ये हमारा इनवाइस नंबर है, तो इस वजह से फिर जो है बाद में मसला होगा। तो फ्रेंड ये जो है इस तरह से आपकी अप्लाई हो गई, लास्ट डेट जो इसकी है 5 सितंबर है, और इस तरह से आपकी अप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट जो है एक वीडियो में, इसी वीडियो में आप सबके सामने एक और ट्राई करूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड, मैं एक और ट्राई करने लगा हूँ। तो वीडियो पसंद आने की जरूरत में लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।